अलवर के नजर बगीची में 125 छात्राओं का प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। जयपुर से आई अध्यक्ष उमा वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में अलवर की छात्राओं सहित जिले भर से आई छात्राओं ने भाग लिया है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में छात्राओं को सभ्यता, संस्कृति व प्रकृति से जुड़ाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में छात्राएं सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य कर पूजा अर्चना करती है, उसके बाद स्वयं चूल्हे पर भोजन पकाकर खाते हैं। दिन में आराम कर 2:30 बजे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें हमारे समाज की सभ्यता, संस्कृति व प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। जी मैम बताइए, कैंप आयोजित हो रहा है, किसको लेकर? मेरा नाम उमा वर्मा कुमार, मैं जयपुर से हूँ और इस कैंप की LOC हूँ। ये कैंप हमारा 27 तारीख से शुरू हुआ है, यही 27 तारीख 2022 से, और ये खत्म होगा 3/5/2022। इसके अंदर 125 गर्ल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से आई हैं, आई अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही है, लेकिन कोई डीक से, तो कोई भरतपुर से, तो कोई ये अपना नीमराना या बहरोड़ वगैरह से, कुछ अलवर से, इस तरह से बच्ची आई हैं। हमारा इसका उद्देश्य होता है मुख्य रूप से कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको जीवित करना, क्योंकि बच्चे आजकल आधुनिक क्षेत्र के उसमें आके इतना रम गए हैं, अपने नेटवर्क या अपना भीम वगैरह जो चलते हैं, मोबाइल वगैरह, उसमें इतने ज्यादा लोज हो गए हैं कि हमारी पुरानी परंपराओं को भूल चुके हैं। तो हमारा ये है कि ये बच्चे अपने पुराने जीवन में लौटें, प्रकृति से जुड़ें, जितने प्रकृति के नजदीक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, और हाथ से बनाना खाना, अपने हाथ से कपड़े धोना, अपने हाथ से बाल्टियां भर भर करके लेके जाना, पेड़ों में पानी डालना, उनको जीवित रखना, ये इनकी प्रतिक्रिया हमारी चलती रहती है। सुबह ये उठते हैं 5 बजे, 5 बजे से जो गतिविधि इनकी चलती है, प्लेट करते हैं, 8 बजे नाश्ता देते हैं, उसके बाद खुद अपने आप 11:30-12 बजे खाना बनाते हैं चूल्हे पर, स्वस्थ भोजन करते हैं, 2 घंटे का रेस्ट और विद भोजन वगैरह सारे कार्य गतिविधि पूरी करके ये 2:30 बजे वापस सेकंड द्वितीय चरण के लिए तैयार होते हैं, और जो कि हमारा राष्ट्र